अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है हमारे पास अनबॉक्स करने के लिए Infinix का स्मार्ट 3। तो गाइस ये स्मार्ट 3 प्लस के बाद ये एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट 3, सिंपल स्मार्ट 3, और ये 4G सपोर्टेड है। और इसके अलावा अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 4G सपोर्टेड, इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है। 8 मेगापिक्सल कैमरा है और 1 GB रैम है और 16 GB इसकी मेमोरी है। इसके अलावा सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर पीछे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और चले आए इसे आज अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये मोबाइल कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस हमारे पास मोबाइल फ़ोन अनबॉक्स हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा करके इन्होंने लिखा है 4G LTE, और ये 4G सपोर्टेड है। इसके अंदर फेस अनलॉक भी है और फिंगरप्रिंट अनलॉक भी है, थंबनेल का अनलॉक भी इसमें मौजूद है। तो ये आ गया हमारा मोबाइल फ़ोन। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इसका कलर है और काफ़ी खूबसूरत स्टाइल है इसका। और बैक पे 2 कैमरास हैं, आप ज़रा गौर करें, बैक पे इसके 2 कैमरास हैं। और इसके अलावा अब हम इसको चेक करते हैं बॉक्स में, ये वारंटी कार्ड। और इसके अंदर हमें एक डाटा केबल मिल जाती है और हैंड फ्री मिल जाती है एक, और ये 2 चीज़ें हैं। और इसके बाद अडॉप्टर है, और इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है प्रोटेक्टर। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर है और एक कवर है, और ये है जी बाई इनका क्लब वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वाह नाइस, इसको ऑन करके देखते हैं। मोबाइल वैसे बहुत खूबसूरत है, प्यारी शेप है इसकी, और फिंगरप्रिंट इसकी बैक साइड पे, डुअल कैमरा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कैमरा लेंस और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलें इसकी सेटिंग करके इसे ऑन करते हैं। वैसे गाइस 1 GB रैम होने के बावजूद इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, क्योंकि अक्सर आप क्यों मोबाइल्स में देखते हैं और बाकी दूसरे मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा होगा कि इसकी जो 3-3 GB रैम और 2-2 GB रैम होने के बावजूद जो स्पीड है इसकी इतनी अच्छी नहीं होती उन मोबाइल फ़ोन्स की। लेकिन इसकी 1 GB रैम है और इसने इम्प्रेस कर दिया कि स्टार्ट होते हुए ज़रा सा भी फ्रीज़ नहीं हुआ। वाह ब्यूटीफुल। ओके, तो ये आ गया हमारे पास हमारा मोबाइल फ़ोन, और कलर्स बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ा सा अटकेगा और बस ठीक है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर वो स्टाइल नहीं बनाया हुआ जो बाकी इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ स्पीकर के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ओके,
और इसके अलावा अगर हम इसका सबसे पहले तो हम इसका जो है वो कैमरा चेक करेंगे कि इसका कैमरा कैसा है। कैमरा तो बहुत अच्छा है यार, कैमरा तो प्यारा है। अब मैं इसकी एक पिक्चर बनाता हूँ यहाँ पर इस फ़ोन से, ये लो लाइट में। ओके, इसका फ्लैश भी है, फ्लैश ऑन ऑफ करता है, और आप देख सकते हैं पिक्चर ब्लैक आई है, लेकिन अगर फ्लैश ऑफ ऑफ करके बनाई जाए तो ये ज़्यादा प्यारी आएगी। तो मैं ऊपर से इसकी फ्लैश ऑटो से इसको बंद कर देता हूँ। ओके गाइस, देख सकते हैं आप पिक्चर इसकी अच्छी आई है, इसके कैमरा इसका अच्छा है यार। अब इतनी चीप प्राइस में इतना अच्छा तो कैमरा, चलो ज़्यादा अच्छा तो हो नहीं सकता। बाकी इन्होंने कैमरा प्यारा है इनका। और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसकी बाकी चीज़ें, किसी तरह स्किप कर दिया जाए। गूगल अकाउंट मांग रहा है तो मैं दूसरे तरीके से यूट्यूब को ओपन करता हूँ। इस यहाँ पर कुछ HD वीडियोस लगा के देखते हैं। HD वीडियोस वैसे टाइपिंग के लिहाज से बहुत अच्छी, मतलब मज़े का है अगर हम टाइपिंग करें तो, इसमें टाइपिंग बहुत मज़े की हो रही है। ओके, तो ये हमारी फुल स्क्रीन। तो ब्राइटनेस अभी इसकी बहुत ज़्यादा लो है मोबाइल फ़ोन की, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा फोकस करके इसमें। वाह, नाइस। गाइस, कलर्स ग्राफिक्स इसके वीडियो देखने में बहुत लाजवाब हैं बाय द वे, और मोबाइल भी बहुत अच्छा है। तो सिर्फ 12,000 में इसकी जो 12,000 है इसकी प्राइस है। अब ये ब्राइटनेस फुल गई, और जो प्राइस है इसकी ये 12,000 है, और बहुत ज़बरदस्त प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया ये। और गाइस, इसके अलावा तो गाइस मैं यही कहूँगा कि आप, और इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो, इसकी स्पेसिफिकेशंस यही हैं कि इसकी जो रैम है वो 1 GB है, और मेमोरी जो है वो 16 GB मेमोरी है, और इसके बाद 8 MP कैमरा। लेकिन 8 MP इसका कैमरा है, और जो फ्रंट कैमरा है वो हम एक बार चेक करके देखते हैं कि फ्रंट कैमरा कैसा है। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी जो है वो इतना बुरा नहीं है। तो गाइस, फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, और अगली जो वीडियो है उसमें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए हॉट एट लाइट का रिव्यू लेकर आऊँगा, और कोशिश होगी कि जितना अच्छा रिव्यू हो सकता है मैं उसका लेकर आऊँ, और उसको, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और उसकी सारी डिटेल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।